अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट एम्पावर्ड ओसिस। तो आज हमारी पहली क्लास है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियोस ऑफ कर लें, और ये भी जो इम्प्रॉपर नेम लिखे हुए हैं ना आपका एनडी, वो भी हटा दें, अपने प्रॉपर नाम से ज्वाइन करें। जैसे ये 4GMV है, गलेक्सी है, आईफोन है, ये काइंडली आप सब लोग जो है ना अपने प्रॉपर नेम लिख लें। और दूसरी बात ये कि ये जो हमने कोर्सेज चला रहे हैं, ये हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं STHP या सिंथेल एंड प्रोग्राम, जो स्कॉलरशिप आती है सकराईबी में, उसकी प्रिपरेशन के लिए। NTHP या नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम सकराईबी में भी आता है, कराची और कराची में भी आता है उसके लिए। फाउंडेशन सेमेस्टर सकराईबी में होता है उसके लिए, और NOP नेशनल आउटर प्रोग्राम ये लम्स यूनिवर्सिटी के लिए होता है, एंड एहसान ट्रस्ट कराची में। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी में आपको एंटर करने के लिए जो आप कोचिंग क्लासेस लेते हैं कोचिंग सेंटर्स पे, वही टॉपिक्स हम इधर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आपकी जो इंस्ट्रक्टर होंगी मिस माइंस है, तो वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगी, एंड उसके बाद सर मंजर अली जो है वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और बाकी कुछ हमारे पास जो फॉरेन इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके लेक्चर्स भी होंगे जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये जो है सारा कुछ YouTube पे शेयर किया जाएगा, मैं आपके साथ YouTube लिंक भी शेयर कर देता हूँ। लेक्चर एक दिन या वर्स्ट केस पे 2 दिन के डिले पे सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, तो आप उधर भी देख सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो होंगे आप वो हमें कमेंट कर देना YouTube पे ही, तो हम फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करें। टाइम टेबल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, फर्स्ट 2 डेज पे आपका मैथमेटिक्स होगा, और जो नेक्स्ट 2 डेज हैं उसमें आपका इंग्लिश होगा, और बाकी जो 5th डे होगा उस पे भी आपका इंग्लिश या मैथ, कोई भी फॉरेन स्पीकर जो है हमें जो टॉपिक्स देंगे उन पे होगा। और सैटरडे आपका फ्री होगा, आपको प्रिपरेशन करनी होगी, रिवीजन होगा, और संडे पे हर रोज आपकी टेस्ट होगी। और आपसे कुछ गुजारिश है, ये जो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू, ये रिलेवेंट मैसेजेस हैं वो आप ना करें, सीधा क्लास लें, और किसी को पर्सनल तंग भी ना करें, कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लें, एंड ज़्यादा मैसेजिंग वगैरह ना करें। तो अभी मैम आपको इंट्रोडक्शन देगी, आज कोर्स का आउटलाइन बताएगी, और आपका पहला क्लास भी चलेगा। सो ओवर टू यू मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा हैज ऑलरेडी गिवन यू मच ऑफ द इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स एंड व्हाट आर वी प्लानिंग टू डू। तो से रिलेटेड मैं भी आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। उसके बाद हम कोर्स आउटलाइन भी डिस्कस करेंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट मी मूव फॉरवर्ड। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू द इंस्ट्रक्टर। मेरा नाम माहीन सेतो है और मैं सकराईबी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और इसके अलावा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर में मैं अभी इनरोल हूँ। उसके अलावा मैंने पहले भी SEO के कुछ कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि STHP। पिछले साल STHP का हुआ था, वो हमने पढ़ाया था, मतलब SEO ने कंडक्ट किया था, उसमें मैंने इंग्लिश पढ़ाया था। उसके बाद भी एक कोर्स था जिसमें मैंने जो है वो इंग्लिश पढ़ाया था। मैथ भी मैं ऑनलाइन काफ़ी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, सो आई हैव मच ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑनलाइन एंड फिजिकली बोथ। तो अब क्या कहते हैं कि हम थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी डिस्कस कर लेंगे और उसके साथ साथ जो है हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन, जल्दी से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैसेज में आप लोग मुझे शेयर कर दें, जल्दी बता दें कि आप लोगों की इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस कोर्स में होना चाहिए। तो आप जल्दी से चैट में मुझे बताएं, मैं आप लोगों के मैसेजेस रीड कर रही हूँ कि आपकी इस कोर्स के हवाले से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस। जस्ट लेट मी नो इन द चैट, कम ऑन हरी अप। आपकी एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि आप लोग क्या जो है सीखना चाहते हैं इससे। ओके, एक्स टेक मैथ में टॉपिक्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू क्रैक NTHP। वेरी गुड, फंक्शंस एंड लिमिट्स ऑफ के। ओके, हम आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी हम उनको भी अपनी आउटलाइन में शामिल करने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमारी आउटलाइन में नहीं है तो। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। ओके,
ओके, स्टार्ट टू एंड तक बेसिक से एडवांस हो. ओके ठीक है, हम इस चीज़ को भी मद्देनजर रखेंगे. मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्नोसिस टेस्ट भी जो है प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो टेस्ट मैं आप लोगों को दूंगी, तो उससे मुझे भी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कहाँ तक आती हैं चीज़ें और कहाँ तक मुझे चीज़ें स्टार्ट करवाने की ज़रूरत होगी. तो इस आज के लेक्चर में भी एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगी, तो उसमें आप लोगों को भी रिकॉल हो जाएंगी काफ़ी चीज़ें, अंदाजा हो जाएगा कि आपको. जी, एज प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं, और फंक्शंस लिमिट, डेरिवेशन परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री परसेंटेज तो है, लेकिन आई डोंट थिंक कि डेरिवेशन इस कोर्स के लिए आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है. तो मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगी जो आपने पढ़ना जरूरी है. ओके ओके श्योर. ओके, इंग्लिश इम्पोर्टेंटली इट्स डिफिकल्ट. आई एम सॉरी, दिस इज मैथ्स कोर्स, तो इसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती. बाकी जो जो आप लोगों ने यहाँ पे टॉपिक मेंशन किए हैं आउटलाइन में, आप लोग देख लेंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से मिसिंग हैं, तो मैं अपनी आउटलाइन में वो टॉपिक्स ऐड कर दूंगी. लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने कैलकुलस और डेरिवेशन वगैरह का कहा है, तो ये जिस टेस्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं उसमें जो है नहीं होते ऐसे टॉपिक्स, तो उसके लिए इन टॉपिक्स को हम जो है वो स्किप करेंगे. तो जो हमारे लिए जरूरी है वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये तो हो गई स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशंस. अब आगे बढ़ते हैं माय एक्सपेक्टेशंस. तो मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? अब देखें, टीचर एक होता है और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, तो आपके एक्सपेक्टेशन मुझसे होंगी, मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगी. तो मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप लोग लेक्चर्स को सुनेंगे, और ना सिर्फ लेक्चर्स में आप लोग अटेंटिव होंगे, लेक्चर्स के बाद जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उस पे आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं और प्रैक्टिस करनी है. मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो प्रैक्टिस होती है. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप जो हैं वो एफिशिएंट होते जाएंगे जिस भी टॉपिक पर आप जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन टॉपिक पढ़ा, आपने कुछ क्वेश्चंस किए एंड देन आपने उसको छोड़ दिया और एक महीने के बाद जाके देखा. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके प्रैक्टिस से निकल जाती हैं. जिस तरह बेसिक अर्थमेटिक ही हम एक दफा करें और फिर काफी दिन छोड़ दें, तो हम बहुत सारा क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो जाती है. जी, वर्कशीट्स आप लोगों को मिलेंगी. ऑफ कोर्स हर लेक्चर के एंड में जो भी मेरा लेक्चर होगा मैं आप लोगों के लिए खुद क्विज क्रिएट करूंगी, और अगर मैं खुद कभी क्विज क्रिएट ना कर सकी तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन जो वर्कशीट्स होंगी वो भी मैं आप लोगों को सॉर्ट आउट करके भेज दूंगी. होमवर्क भी ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, कि मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी टॉपिक आपको रोज पढ़ाया जाएगा आप उससे रिलेटेड तकरीबन तकरीबन 20 to 30 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कर लिए ना एक दिन के अंदर, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. एक दिन या 2 दिन या 3 दिन, जितने भी दिन आप अपनी एफिशिएंसी के लिहाज से उसको इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. मैं खुद एक एसटीएचपी स्कॉलर हूँ, मैंने भी एसटीएचपी का टेस्ट दिया था, पास किया था और बहुत अच्छा स्कोर किया था. वो इसीलिए किया था बिकॉज आई यूज टू प्रैक्टिस अलॉट. मैथ्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप जो है परफेक्ट नहीं हो सकते, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है. तो ये हो गई आपकी एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशंस. तो अब देखते हैं कि हमारे पास कोर्स आउटलाइन में आप लोगों के लिए क्या क्या टॉपिक्स. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली सिंस द बिगिनिंग, प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन. आई हैव सीन लाइक मेनी टाइम्स मेनी स्टूडेंट्स यूज टू राइट ऑन स्क्रीन, विच इज रियली डिस्टर्बिंग फॉर मी. सो प्लीज डोंट डू दैट. दिस इज ऑल्सो माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू गाइज. ओके, सो हियर इज द आउटलाइन. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोना डिस्कस इन आउटलाइन इज सेट्स एंड नंबर सिस्टम. तो जब हम सेट्स को और नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले सेट्स और नंबर सिस्टम्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो है हम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर्स, और उसके अलावा जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, और फिर इंटीजर्स होते हैं. ये सारे नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, बेसिक से एडवांस तक हम इसको लेकर जाएंगे. उसके बाद सेट्स, सेट्स में सेट नोटेशन होती है, और फिर वेन डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. तो वेन डायग्राम में किस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर सेक्शंस क्या क्या होते हैं वेन डायग्राम के अंदर, कौन से सेक्शन को क्या बोला जाता है, तो ये बारी बारी जो है हम चीज डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ जो भी टॉपिक हमारा चलता जाएगा आप लोगों से ही मैं क्वेश्चंस करूंगी. ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करती रहूंगी और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होगा. मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आपके साथ मिलके स्क्रीन पर. उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी जो आप लोग यहीं पर लाइक इन द क्लास आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके और चैट में हमें जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा. सो वी आर गोइंग टू हैव आर सेशंस लाइक दिस. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोना हैव इज फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट्स एंड एक्सप्रेशंस. अब फैक्टराइजेशंस में क्या होता है कि देखें,
एक तो फैक्टराइजेशन होती है सिंपल नंबर्स के, हम फैक्टर्स निकालते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, जो हम एलसीएम और एचसीएफ वगैरह में यूज करते हैं। दूसरी फैक्टराइजेशन क्या होती हैं, जो हम इक्वेशंस के अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज कर जो है वो यूज करके सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ना सिर्फ हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है, उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंट्स, जिस चीज को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, एक्सपोनेंट्स हम पावर्स को भी कहते हैं। पावर्स होती हैं जो एक नंबर के ऊपर पावर होती है, उसको सर्ड्स भी कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। सही है, वो हम सीखेंगे कि उस पे ऑपरेशन किस तरह अप्लाई होते हैं, क्या एक्सपोनेंट्स के रूल्स होते हैं और क्या क्या रूल्स नहीं होते। अच्छा, जो रूल्स होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जो रूल्स नहीं होते और जो बच्चे गलती करते हैं उसमें सबसे ज्यादा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक्सपोनेंट्स में बहुत सारे बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं कि इस तरह से होना था और उन्होंने उस तरह से कर दिया। तो ये चीजें भी हम मिसकॉन्सेप्शन भी डिस्कस करेंगे, और आप लोग भी मुझे अपनी मिसकॉन्सेप्शन बताएंगे कि कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो फिर मैं बताऊंगी कि वो कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के या मिसकॉन्सेप्शन हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है हम एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, सेंटेंसेस एंड मैनिपुलेशन। अब एल्जेब्रा के अंदर आप लोगों को जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम कहते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, अब उन सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना होता है वर्ड प्रॉब्लम में। तो हम यही करते हैं, सेंटेंस को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बड़ी गेम हमारे पास ये होती है कि हमें हमें जो इंग्लिश में ही स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं उनको हमने कन्वर्ट करना होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर। तो उसको कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं और क्या रूल्स नहीं होते, ऑब्वियसली वो भी हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे ना की वर्ड्स होते हैं, अब की वर्ड्स की हर वर्ड का कोई ना कोई जो है वो ट्रांसलेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐड है तो हम उसको उसमें प्लस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट है तो उसमें हम माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस है, थ्राइस है तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से जो है हम कुछ वर्ड्स को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डेसिमल फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। अब डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स को कहते हैं जिनमें पॉइंट आती है, डेसिमल एक्चुअली पॉइंट को कहते हैं। पीरियड भी हम उसको कहते हैं, उसको हम डॉट भी कहते हैं, उसको हम पॉइंट भी कहते हैं, डेसिमल भी कहते हैं। तो उसके ऊपर कैसे ऑपरेशंस होते हैं सिंपल सिंपल, पता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आपने डेसिमल नंबर्स दिए हुए होते हैं आपको दो, और कहते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करो या इनको जो है वो क्या कहते हैं डिवाइड करो, या इनको कहते हैं कि वो करो क्या कहते हैं ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। तो उसमें भी बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं कि उनको नहीं पता होता है कि अब पर पॉइंट्स वाले नंबर आ गए तो पॉइंट्स वाले नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें। तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। परसेंटेजेस के अंदर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और भी बहुत सारे परसेंटेजेस के टाइप्स होते हैं, हम सारे परसेंटेजेस के टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी, या सो लेट्स मूव फर्दर। लेकिन अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि सारे टॉपिक्स, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना कवर ऑल ऑफ द टॉपिक दैट आई एम डिस्कसिंग राइट हियर। कुछ टॉपिक्स इसमें से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और कुछ टॉपिक्स आप लोगों को गेस्ट स्पीकर जो 5वें दिन पे प्रोबेबली फ्राइडे वाले दिन आपके लेक्चर्स होंगे उसमें कुछ टॉपिक्स वो लोग पढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक जो है आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, या आप लोगों को हम बताते रहेंगे कि कौन सा टॉपिक कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, उसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, रेट एंड वेरिएशंस, ये आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, रेशियो और परसेंटेज के जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है सवाल आते हैं, मैंने जब तक मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है ना, रेशियो और प्रोपोर्शन के बहुत सवाल आते हैं, रेट के भी आते हैं। तो अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बच्चे की ये किसकी आउटलाइन है, ये आप लोगों की पूरी कोर्स की आउटलाइन है और उसमें जो है आप लोगों के सारे NTHP, STHP या जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, उसकी आप लोगों की मैथ की जो है वो होगी, क्या कहते हैं। अभी कोई ना रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था मीटिंग, मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, तो आप लोग मीटिंग रिकॉर्ड ना करें, हम लोग मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये जो मीटिंग है फिर आप लोगों की उसमें आ जाएगी, किसमें कहते हैं क्या कहते हैं हम,
यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। आप लोग पर्सनली इस वीडियो को या इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने की कोशिश ना करें। ये आउटलाइन आपके पूरे कोर्स की आउटलाइन है, इसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी मुझे अंदाजा एक्चुअली में नहीं है कि कितने मंथ्स का कोर्स है, लेकिन आई थिंक 2 मंथ्स या 1 मंथ का तो होगा ही होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हमसे हो सके हम ये टॉपिक्स कवर करें। उसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीक्वेंस एंड सीरीज अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता कि किस तरह का सीक्वेंस है, किस तरह की सीरीज है, आया ये सीक्वेंस है या सीरीज है, तो ये भी समझ नहीं आता। तो ये भी हम समझेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। खास करके सवाल आता है कि दिस इज अ सीक्वेंस, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो उसके लिए भी एक जनरल फार्मूला होता है, nth टर्म फार्मूला, वो भी हम सीखेंगे। सीक्वेंस का क्या होता है, सीरीज का क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और फिर अगेन मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्राइसिस 2x2 के ज्यादातर यहाँ तक, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पर 2x2 के मैट्राइसिस के क्वेश्चन आते हैं, उससे आगे नहीं आते। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2x2 मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, और मैट्रिसेस पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। रूट्स एंड रूल्स फॉर लॉगरिथम। लॉगरिथम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉगरिथम के क्या रूल्स होते हैं, किस तरह कन्वर्जन होती है, एक्सपोनेंट्स टू लॉगरिथम कैसे कन्वर्ट होता है, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंट कैसे कन्वर्ट होता है, और किस तरीके से फिर उनके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। अच्छा, जिस तरह एक्सपोनेंट्स के रूल्स होते हैं ना, कि अगर बीच में मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम होंगी तो पावर को ऐड कर देंगे, और जिस तरह उसमें एक और रूल होता है कि डिवाइड है और बेसिस सेम है तो पावर को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, न्यूमिनेटर की पावर को डिनोमिनेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसी तरह लॉगरिथम के अंदर भी काफी रूल्स होते हैं। तो हम उन रूल्स को बारी बारी समझेंगे, देखेंगे कि फिर हम कैसे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें मेजरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं काफी, कि इसका जो है वो स्लोप निकालें, इसका जो है वो लेंथ बताएं, ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, उसके लेंथ बताएं, तो उसके लिए भी फॉर्मूलाज होते हैं, स्लोप फॉर्मूला होता है, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशंस होती हैं, वो भी हम सीखेंगे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है सीखना आप लोगों के लिए, समझना। और इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं आपके टेस्ट के अंदर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा सा फर्क है, तो हम सीखेंगे कि परम्यूटेशन क्या होती है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, कब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कब परम्यूटेशन यूज करते हैं। इसमें बच्चे असल में सबसे बड़ी गलती तब होती है क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को एक ही कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, और फिर अगर कॉम्बिनेशन का सवाल है तो उसमें परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, और अगर परम्यूटेशन का सवाल है तो उसमें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हम ये भी सीखेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को किस तरह आइडेंटिफाई करें, कि ये कौन सी चीज है, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और वो कौन सी चीज है, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। प्रोबेबिलिटी वैसे तो इजी है, मतलब देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आती है एसटीएचपी और एनटीएचपी के टेस्ट में। तो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और कुछ डिग्रीज होते हैं, एंगल्स होते हैं, उनको जो है उनकी मेजरमेंट होती है, साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ये इस पे थोड़ी सी डिपेंड करती है। ट्रिग्नोमेट्री के इतने ज्यादा डिफिकल्ट और हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। फंक्शंस, ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ये भी आते हैं। फंक्शंस के भी बहुत बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमें कौन से एरियाज में रह के इस टॉपिक को जो है वो कवर करना है। उसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम, जैसे बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैम एज के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आप समझाएं सिखाएं, तो जी ये हमने इंक्लूड किया हुआ है, हम एज वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके एक्सक्यूज मी सॉरी, तो हम एज के जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, कि क्या फॉर्मूलाज लगते हैं और किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या जो है वो सॉल्यूशन कैसे होगा। तो और भी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, हम वो भी करेंगे, लेकिन खास तौर पे हमारा फोकस जो होगा वो एज के वर्ड प्रॉब्लम्स के अराउंड होगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये थी हमारी सारी आउटलाइन जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। ओके जी, आप लोगों के भी कंसर्न हैं कि ये 2 मंथ में हो जाएगा नहीं का, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं श्योर नहीं हूँ अभी कि ये जो है 2 मंथ का कोर्स है या 1 मंथ का कोर्स है, तो
इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारे टॉपिक्स कवर हों, और कुछ टॉपिक्स तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो है अवेलेबल हैं कुछ टॉपिक्स इसमें से, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँ, जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस तक मैं आप लोगों को लेकर जाऊँ हर टॉपिक के अंदर। हर टॉपिक के अंदर हमारा जो एजेंडा होगा वो यही होगा कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और फिर हम एडवांस लेवल पर उस टॉपिक को ले जाएं, ताकि हो सकता है कुछ बच्चों के बेसिक से स्ट्रांग हो और उनको ऑलरेडी आता हो, लेकिन हो सकता है काफी बच्चे ऐसे हों जिनको बेसिक से नहीं आती वो चीज़, तो हम उनके लिए वो चीज़ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ टॉपिक्स बहुत जल्दी गुजर जाएंगे और कुछ टॉपिक्स में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये जो है आपकी सारी आउटलाइन जो मैंने अभी सिर्फ बताई है ये बताने तक ना हो और हम इसको सारा कंप्लीट करेंगे। हाँ ओके वेरी गुड, चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ये तो हो गई आउटलाइन। अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी डायग्नोसिस टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं, बाकी पूरी डायग्नोसिस टेस्ट आपकी आपको मैं आज शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आई एम सॉरी इफ माई इफ देयर इज एनी डिस्टॉर्शन इन माई वॉइस, बिकॉज मैं तो पूरी अपनी कोशिश कर रही हूँ, मेरा नेटवर्क भी स्टेबल है तो आपकी मेरी आवाज सही आए, लेकिन अगर हो रही है तो बियर विथ मी। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, सेट्स एंड नंबर सिस्टम्स, फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट्स एंड एक्सप्रेशन, तो जो भी मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया ना, आपने हर टॉपिक के लिहाज से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। तो आप लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अब देखिए मैंने इसमें आपको सेट नहीं दिए, ना सेट ए दिया है ना सेट बी दिया है, तो इसका मतलब मेरा ये है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि यूनियन दो सेट्स का क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो आप लोग चैट में मुझे सबसे पहले तो पहले पहले सवाल का जवाब बताएं, पहले पहले सवाल का जवाब बताएं कि डिफाइन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, क्या किस चीज को हम यूनियन कहते हैं और किस चीज को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। सम ऑफ टू सेट्स को हम यूनियन कहते हैं। ओके यूनियन मीन्स एडिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। ओके यूनियन मीन्स जो सेम नंबर्स हों। यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स जो सेम हों। इंटरसेक्शन मीन्स सेम, कंबाइनिंग ऑफ टू सेट्स कॉल्ड यूनियन। सम ऑफ यूनियन मीन मैम दो सेट कंबाइन कर रहे हैं। ओके इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। ओके काफी बच्चों ने इंटरसेक्शन तो बिल्कुल करेक्ट बताया है कि इंटरसेक्शन दो सेट्स में वो होता है जो नंबर दोनों सेट में मौजूद हो, कि मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 सेट ए में भी है, 1 2 सेट बी में भी है, तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 2 होगा, 1 और 2 ये दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्शन होगा किसका, सेट ए और सेट बी का। लेकिन यूनियन हम ये कहते हैं कि सेट ए के भी सारे मेंबर्स और सेट बी के भी सारे मेंबर्स को हम एक ऑर्डर में लिखते हैं विदाउट रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 सेट ए में भी है, 1 सेट बी में भी है, तो हम उसको सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे, 2 दफा नहीं लिखेंगे यूनियन में अगर लिखेंगे। तो यूनियन होता है लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए एंड सेट बी विदाउट रिपीटेशन, और इंटरसेक्शन वो होता है कि कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स, या अगर हम 3 सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो तीनों सेट्स में जो कॉमन नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है, कॉमन चीजों का जो है वो कॉम्बिनेशन। ओके वेरी गुड, तो जी यूनियंस में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों रखते हैं विदाउट रेपिटेशन। ओके ठीक है, तो पहला सवाल हमारा हो गया एंड आई एम सो वी आर गुड टू गो विद सेकेंड क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, अभी आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज 8। देखते हैं कौन कौन कहता है 8 है, तो आंसर 29 है, आई थिंक 48, 24, 24, ओके 28, आई थिंक 24, 24, 24, अच्छा 24 वाले बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है, अच्छा 0 भी कह रहे हैं कोई, अनीस रहमान सिंह 0, 0 क्यों बचेगा भाई, 24, अच्छा तो बहुत सारे बच्चों को लगता है 24, तो अब हम देखते हैं कि ये 24 होगा कि नहीं होगा। देखिए अब 2 के ऊपर पावर 3 है, तो जब 2 के ऊपर पावर 3 होती है तो उसका आंसर हो जाता है 8, क्या होता है 8, और अगर 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 32, और 32 और यहाँ पे हमारे पास दूसरी तरफ है 16 डिवाइडेड बाय 2, अगर 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 आएगा। अब 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा,
ओके, सो 24 वाले जिन्होंने भी 24 कहा उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया. सो वेरी वेल डन फॉर 24, आई मीन जिन्होंने 24 आंसर दिया. ग्रेट. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. इसमें आपने एक्स की वैल्यूज बतानी है, फैक्टराइज करना है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जो हमने दिया हुआ है. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 एंड 3. सबसे पहला आंसर आ गया 2 एंड 3. ओके, यस 24 करेक्ट आंसर था, हमने कर लिया 2 एंड 3, 3 एंड 2. ओके अच्छा, सबका आंसर आ रहा है 2 एंड 3. क्या 2 एंड 3 राइट आंसर है? एक सेकेंड, अब देखें. एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, माइनस 5x प्लस 6 है. तो अब अगर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 लिख रही हूँ इसके साथ, तो इसको ना आप लोग वही समझिएगा, स्क्वायर ही समझिएगा, क्योंकि अभी मैं इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं जा रही. एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3x, एक माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं ना इसकी टर्म को ब्रेक करके, क्योंकि अगर हम 3 और 2 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और अगर इनका सम करेंगे तो हमारे पास माइनस 5x भी आ जाएगा. तो यही हमारी शर्त होती है फैक्टराइजेशन करने की, फैक्टर्स बनाने की. तो अगर इसको हम मजीद देखें तो अब पहले वाले में से जो है हम x कॉमन ले लेते हैं, तो पहले वाले में बाकी बचेगा x और माइनस का 3. दूसरे वाले में से अगर हम माइनस 2 कॉमन लें, माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो दूसरे वाले में भी हमारे पास बचेगा x और 3. अब इसकी एक और कंडीशन ये होती है कि अगर आपके ब्रैकेट्स दोनों सेम आ जाएं तो मतलब आपने सही किया है, लेकिन अगर ब्रैकेट्स गलत आ जाएं तो मतलब आपने गलत किया है. तो अगर हम इसमें लिखें x माइनस 3, एक ब्रैकेट बन गई हमारी, फिर दूसरी ब्रैकेट हमारी बन गई एक्स माइनस 2. अच्छा देखिए, मैं जो ब्रैकेट सेम होने की बात कर रही हूँ ना, वो इस जगह पे कर रही हूँ, अभी ऊपर वाली जो जिसमें हमने स्टेप में किया था. जब हम कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन लेते वक्त जो ब्रैकेट्स होती हैं आपकी दोनों, ब्रैकेट्स के बाहर वाले टर्म्स की बात नहीं कर रही, ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं दोनों, उन अगर वो सेम है तो फिर हमारा क्वेश्चन समझे हमने सही किया है. अब एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 अगर हम कर दें, दोनों को अलग अलग आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर जो है 3 और 2 आएगा, जो कि पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 2 आएगा. तो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिया उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2. सो वेरी गुड. अभी मैं इसको कट कर दूं. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करें. ओके, स्क्रीन की साइज हम थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं आप लोगों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें. फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये आपको जो फैक्टराइजेशन का टॉपिक आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक आएगा, ये मैं उसमें पूरा समझाऊंगी. अभी ये डायग्नोसिस टेस्ट है, ये इसे समझने के लिए कि किस किस को कितना कितना आता है. अच्छा, अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है. 144x² आर यू श्योर? अच्छा आप देखें, सबसे पहले अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ना, अंदर वाले ब्रैकेट से के बाहर वाली टर्म को फिलहाल आप छोड़ दें, अंदर वाली को करेंगे तो 3 टाइम 4 12 आ जाएगा. नंबर्स को नंबर्स से करेंगे और एक्स की पावर जो है एक साइड पे 2 है और दूसरी साइड पे -1 है, तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, तो हमारे पास एक्स की पावर 1 हो जाएगी और 12 हो जाएगा. अब उस पर स्क्वायर लगाएंगे तो उसका आंसर आएगा 144x². तो जिस जिसने आंसर दिया है 144x², उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. वेरी गुड फॉर दोज हु आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. ओके, तो अभी आई थिंक मेरे पास टाइम भी थोड़ा है, तो जल्दी से आप लोग ये वाले कर लें. आई थिंक इसको छोड़ दें, जो लीनियर इक्वेशन मैंने दी हुई है ना, इसको आप छोड़ दें, ये बहुत टाइम लेगी. और ये वाला करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन एंड परसेंटेजेस का जो पहला क्वेश्चन है ना, कन्वर्ट 0.75 इनटू अ परसेंटेज. इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे दें, कन्वर्ट 0.75 इनटू अ परसेंटेज, 75%. ओके वेरी गुड, 75% होगा
ओके वेरी गुड, जिन्होंने जिन्होंने 75% आंसर किया उन्होंने करेक्ट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इफ प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीजेस फ्रॉम $200 टू $250, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। 25% इंक्रीज। ओके 25%, 25%, 25%। वेरी गुड वेरी गुड, जिन्होंने 25% आंसर दिया, 25% आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 25% जो है वो इंक्रीज हुआ है। और नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, फाइंड रेशियो प्रोपोर्शन रेट एंड वेरिएशन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो तो बहुत सिंपल है, जल्दी से आप लोग कर लेंगे आई होप। इसमें आप लोगों को दिया गया है ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 2/3। अगर आपको वैल्यू दी जाए ए की जो कि 4 है, तो बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू क्या होगा? 6। वेरी गुड, चलें 6 इसका सही जवाब है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:4। इफ देर आर 24 गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? अच्छा रेशियो क्या है? 3:4 है। अगर 24 जो है वो गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? 32 बॉयज होंगे, और कुछ कह रहे हैं 18 बॉयज होंगे, कुछ कह रहे हैं 32 बॉयज होंगे। अच्छा अब आप लोग समझें, देखें अब बॉयज टू गर्ल्स है, मतलब बॉयज जब 3 होंगे तो गर्ल्स 4 होंगी, हर 3 बॉयज के साथ हर 4 गर्ल्स होंगी, सही है? तो हमारे रेशियो का मतलब ये हो रहा है। तो अब अगर हम कह रहे हैं 24 गर्ल्स हैं, अब रेशियो में देखें गर्ल्स ज्यादा हैं, 4 हैं 3 की जगह पे, तो 24 गर्ल्स हैं तो बॉयज ऑब्वियसली इनसे कम होंगे ना, ऑब्वियसली कम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल जितनी गर्ल्स हैं, अब हमने ये देखना चाहते हैं कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है हमने कि गर्ल्स 24 हो गई हैं, तो उसके लिए हमें 4 को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि आंसर आएगा 6। तो 6 अगर आंसर आ गया तो ये कॉमन नंबर होगा। तो अगर 6 गर्ल्स का नंबर जो है रेशियो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो बॉयज वाले रेशियो को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 × 6 करेंगे तो 18 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हुआ 18। अब जिन्हों जिन्होंने 18 आंसर दिया है उन्होंने बिल्कुल सही दिया है, जिन्होंने 32 दिया है उनका आंसर गलत है, 16 भी आंसर गलत है। सही है, 18 इज द राइट आंसर। ओके सो नाउ जस्ट 1 मिनट लेफ्ट एंड यहाँ तक हमारा डायग्नोसिस टेस्ट, बाकी जो जो आपका टेस्ट है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो अभी आप लोग मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं, या फिर जब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड होगी तो फिर आप मुझसे वहां पर भी पूछ सकते हैं सवाल। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चंस ओवर देयर एंड इन माय क्लास आल्सो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पीपीटी शेयर कर दूँ। अच्छा पीपीटी इसमें तो कुछ ऐसा खास था नहीं आउटलाइन की, तो मैं चलें शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, एंड विद दैट आई विल शेयर डायग्नोसिस टेस्ट फॉर यू। तो वो टेस्ट भी आप लोग जो है वो